शुभ प्रभात, मेरा नाम ऐश्वर्या महेश्वरी। बेटा आज मैं आप सभी को शब्द से शब्द विचार के बारे में पढ़ाऊंगी। शब्द जैसे कि हम बात करते हैं ना, शब्द क्या होता है? क्योंकि हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके बारे में जानना चाहिए कि वो चीज है क्या, वास्तव में क्या है शब्द। बेटा जैसे हम जानते हैं वर्ड बड़े वर्ड वाला बड़े होते हैं, आप लोगों को छोटे बड़े आसने का क्या है, तो वहाँ पे जब हम इन वर्डों के साथ सही रंग लगाकर हमारा जो निर्माण होता है वो शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द के बारे में तो हमने आपको क्या कहा कि एक सही साकार वर्णों से मिलकर बना हुआ शब्द 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 होता है। ठीक है, उसी प्रकार के बारे में बात करते हैं तो हम इसे चार भाग में कर सकते हैं, अर्थ के, प्रयोग के, रचना के, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, हम पहला है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जैसे सार्थक शब्द से पता लगा है, सार्थक यानी सही अर्थ, यानी मैं ऐसा शब्द हमारा जो शुद्ध अर्थ रखता है उनको हम सार्थक अर्थ कहते हैं। जैसे कि पानी, रात, दिन, इस तरह के शब्द। और बेटा अगर हमारे निरर्थक शब्द होगी तो निरर्थक, मतलब जिसको खुद में कोई अर्थ ना हो। ऐसे जैसे हम बोलते ना चाय वाय, चाय की माय शुद्ध है तो सार्थक शब्द हो गया वाय, वाय का कोई सेंस बन ही रहा हमारा, कोई अर्थ ही दे रहा, तो निरर्थक हो गया हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी विकार यानी जिसको बोले विकार, या फिर बेटा ऐसे शब्द जो प्रयोग के अनुसार खुद को परिवर्तित कर लें, विकारी शब्द। अविकारी जो प्रयोग के अनुसार खुद परिवर्तित ना करें। विकारी जैसे कि संज्ञा हो गए हमारे, संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द की बात किया जाए तो हमारे क्रिया विशेषण या अव्यय शब्द, अव्यय जो व्यय नाम या समय को खुद परिवर्तित ना करें या प्रयोग के अनुसार खुद परिवर्तित ना करें। ठीक है, इससे नेक्स्ट है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द तीन तरह के होते हैं, गुण, यौगिक, योग। गुण यानी कि ऐसे शब्द बेटा जिसका ना हम तोड़ते हैं, वर्ण विशेषण करते हैं तो उसका वो सही अर्थ निकले, या उसका खुद में तोड़ने में वर्णों को सही मेल ना हो वहां पर गुण शब्द। क्योंकि ऐसे शब्द जिसको ना तोड़ते हैं तो वहां पर सही अर्थ निकल आए, तोड़ने पर अन्य दो शब्द पर विभाजित हो जाए। यौगुण यहाँ पर जैसे हम बोध भी समझता कि वहां पर हम तीसरा देता ऐसे ही सेम कंसेप्ट सेम इसके साथ ही योग शब्दों का, या मैं शब्द दो शब्दों से मिलते शब्द बनता है जिसका खुद में अलग अर्थ होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा उत्पत्ति का आधार। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और सर्वम। तत्सम जैसे पता लगा संस्कृत शब्द की, यानी ऐसे शब्द हमारे जो हमारी हिंदी भाषा में सीधा तत्सम आ गए हैं संस्कृत भाषा से, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तत्सम शब्द दही, दुग्ध, इस तरह शब्द। और बेटा अगर हमारे तत्सम शब्द होगी तद्भव यानी कि